सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग सो so, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंडर में स्प्रिंग सो स्प्रिंग क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट ए एंड शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद कर आपको जाना है अपने कॉफ सेक्शन में कॉफ सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है अपने कॉफ स्पायरल में कव स्पायरल में जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास इस तरीके का कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपको सबसे पहले इंक्रीज़ करनी है अपनी हाइट एंड हाइट को इंक्रीज़ करें धीरे धीरे हल्का साइड इंक्रीज़ करेंगे आप देखेंगे आपके पास ऑलरेडी एक स्पायरल क्रिएट हो चुका है एंड अगर आपके जो टर्न्स हैं आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप यहाँ से टर्न्स को कम कर सकते हैं लेकिन आई एंड मुझे हाइट थोड़ा बढ़ानी है एंड टर्न्स थोड़े कम करने आई थिंक सेवन टर्न्स में एंड इतनी हाइट मुझे सही लग रही है उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने एडिट मोड से बाहर एंड उसके बाद मैं जाऊँगा अपने कॉफ सेक्शन में इन कॉफ सेक्शन में जाने के बाद मैं जाऊँगा अपने जोमेट्री वाले सेक्शन में और जोमेट्री वाले सेक्शन में जाने के बाद मैं जाऊँगा अपने डेप्थ वाले ऑप्शन में एंड डेप्थ वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा डेप्थ वैल्यू एंड जैसी मैं डेप्थ वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जो स्प्रिंग है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रिएट हो गई है एंड यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा डेप्थ आप इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा स्प्रिंग हमारी थिक होती जाएगी एंड गाइस इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं सकते ब्लेंडर में स्प्रिंग एंड गाइस अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा ऑप्शन शो नहीं होते हैं कॉफ सेक्शन में तो आप जाइए अपने एड ऑन सेक्शन में और वहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा कॉफ्स एंड उसको आप इनेबल करेंगे इनेबल करने के बाद आपके पास ये जितने ऑप्शन है ये सारे शो होने लग जाएंगे तो इसी तरह की ब्लेंडर के टिप्स एंड ट्रिक को जाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू गाइज